जी, तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऐसी स्ट्रक्चर्स है, और इससे पहले जो है वो हम लोग अरिथ का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप एक वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर करवाना है तो आप उसके लिए अरेज इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी एक स्टूडेंट का नेम जो है, या आपने किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स सेव करने हैं तो उसके लिए आप एक वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम अरेज इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अरेज में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स स्टोर करते हैं, लेकिन अगर आपने किसी एक स्टूडेंट के जो है ग्रेड भी सेव करना है और उसके मार्क्स भी सेव करने हैं तो उसके लिए हम जो है वेरिएबल या अरेज लेते रहते तो क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो की स्टोर करनी है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। और स्ट्रक्चर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बुक है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने सेव करनी है, लाइक उसका टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी, तो ये एक बुक का रिकॉर्ड है जिसको आप सेव करना चाह रहे हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी हो सकता है, लाइक आप उसका नेम सेव कर सकते हैं, आप उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और इसी तरह से उसके मार्क्स या ग्रेड वो भी सेव कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन सेव करनी है और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट और सेम डेटा टाइप, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर्स आर अ वे टू ग्रुप सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स इंटू वन प्लेस। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने किसी एक स्टूडेंट से की जो है वो ग्रेड या मार्क्स को सेव करने हैं तो जो ग्रेड है उसकी डेटा टाइप करेक्टर टाइप है, मार्क्स की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर टाइप है, तो आपने ये बेसिकली इनफैक्ट ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स जिनको आप स्टोर कर एक जगह पे अगर आप उनको सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करेंगे। अरेज में हमने डिस्कस किया था कि अरेज में किसी एक अरे के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह से स्ट्रक्चर जो है उसमें हर वेरिएबल को हम उसका मेंबर कहते हैं, राइट? और ये जो मेंबर्स हैं इनकी डेटा टाइप सेम भी हो सकती है और डिफरेंट डेटा टाइप भी हो सकती है। इसी तरह से अगर हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो हमें सबसे पहले उसकी एक प्रोटोटाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। प्रोटोटाइप में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद इसका नेम आता है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसके हम मेंबर्स लिखते हैं। मेंबर जैसे कि यहाँ पे पहला मेंबर इंटीजर टाइप है और उसकी जो नेम है वो माई नेम है, दूसरा जो माई लेटर है उसकी डेटा टाइप करेक्टर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इट विल बी टर्मिनेटेड बाय अ सेमी कॉलन। और ये जो प्रोटोटाइप है इट इज़ जस्ट डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर। अभी रैम में इसमें रैम इसके जो मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली स्पेस क्रिएट नहीं होगी जब तक कि हम इसका एक वेरिएबल क्रिएट ना कर लें। बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, राइट? और अब हम मेन में जो है वो इसका वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और अगर हमने इसका वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसके लिए भी अगेन हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर का कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नेम लिखना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे। याद रखिएगा कि जो प्रोटोटाइप है वो मेन से पहले डिक्लेयर करते हैं और जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं वो अपने मेन में डिक्लेयर करने हैं। और ये वेरिएबल्स आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के प्रोटोटाइप लिख रहे हैं यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट के बाद आप S1, S2 लिख के सेमी कॉलन लगा सकते हैं, राइट? तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप प्रोटोटाइप मेन से पहले जो है वो डिफाइन करेंगे और उसके बाद आप उसके वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करेंगे मेन में, राइट? और ये जो मेन में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो जिस तरह से कॉमन वेरिएबल के लिए हम शुरू में डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं और सेमी कॉलन लगाते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर माई स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एक डेटा टाइप ही है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें कि स्ट्रक्चर का कीवर्ड और माई स्ट्रक्चर ये दोनों आ रहे हैं, राइट? और अब हमने एक स्ट्रक्चर का प्रोटोटाइप बना लिया और अब हमने उसका स्ट्रक्चर भी क्रिएट वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया है। जब हम इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद रैम में जितने वेरिएबल्स होंगे उसके हिसाब से जो है स्ट्रक्चर के लिए स्पेस रिजर्व होगी। सपोज हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके तीन मेंबर्स हैं, ठीक है? S1 के तीन मेंबर्स हैं। पहला जो मेंबर है वो वेरिएबल 1 है, दूसरा वेरिएबल 2 है, तीसरा वेरिएबल 3 है। अगर पहला वेरिएबल 1 है और उसकी डेटा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर 4 बाइट लेता है तो 4 बाइट रिजर्व हो जाएंगे।
और इसी तरह से अगर वेरिएबल टू जो है इसकी डेटा टाइप करेक्टर टाइप अरे है ये बेसिकली, और इसकी लेंथ 8 है, तो चूंकि एक करेक्टर 8 है, एक करेक्टर जो है 1 बाइट लेता है, तो 8 करेक्टर जो है वो 8 बाइट लेंगे, तो 8 बाइट जो है वो रिजर्व हो जाएंगे। इसी तरह से जो तीसरा वेरिएबल है फ्लोट टाइप डेटा टाइप है, तो उसके लिए 4 बाइट जो है वो रिजर्व हो जाएंगे, राइट। तो अभी अगर हमारे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है S1, तो उसके लिए ये स्पेस अलग क्रिएट हो जाएगी। अगर हमने दो वेरिएबल्स S1 और S2 क्रिएट किए हुए हैं, तो S1 के लिए सेपरेट और S2 के लिए सेपरेट ये स्पेस जो है वो रिजर्व होगी रैम में। इसके बाद जो है अगर हमने इसके जो मेंबर्स हैं जो हमने स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप में डिक्लेयर किए हैं, अगर हमने उनको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमने एक स्ट्रक्चर जो है वो उसकी प्रोटोटाइप बना ली है, मेन में हमने इसका एक वेरिएबल S1 भी क्रिएट कर लिया है। अब अगर हम इसके जो S1 वेरिएबल है इसके मेंबर्स को वैल्यूज असाइन करना चाह रहे हैं, तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं S1 डॉट मेंबर फंक्शन, जो भी मेंबर है उसका नेम होगा, जैसे कि पहला मेंबर माई नम है, तो हम S1 डॉट माई नम लिखेंगे इज इक्वल टू 13। तो जो रैम है जहाँ पे S1 के लिए माई नम की स्पेस उसने रिजर्व किया है, वहाँ पे जाके वैल्यू 13 सेव हो जाएगी। इसी तरह से S1 डॉट माई लेटर में B जो है वो जाके सेव हो जाएगा। जब हमने इनको प्रिंट कराना है, तो सी आउट इस्तेमाल करते हुए सिंपल S1 डॉट माई नम इस्तेमाल करेंगे, और अगर करेक्टर जो लेटर है वो प्रिंट करना है, तो S1 डॉट माई लेटर के थ्रू हम ये जो B करेक्टर में सेव किया हुआ है ये भी प्रिंट करवाया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो याद रखना है आपने कि अगर हमने इन मेंबर्स को एक्सेस करना है आइदर टू इनपुट वैल्यूज़ और टू आउटपुट देयर वैल्यूज़, तो हम उसके लिए डॉट जो ऑपरेटर है वो इस्तेमाल करेंगे। हमें सबसे पहले वेरिएबल का नेम लिखना होगा S1, फिर डॉट, और उसके बाद जो भी मेंबर है जिसकी वैल्यू हम इनपुट लेना चाह रहे हैं या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसका नेम हम लिखेंगे। इसी तरह से लास्ट एग्जांपल में हमने ये दोनों मेंबर्स को S1 के दोनों मेंबर्स को अलग अलग वैल्यूज असाइन किए हैं। हम ये वैल्यूज हैं सिंगल स्टेटमेंट में भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है जिसके 3 मेंबर्स हैं, राइट। पहला इंटीजर टाइप है, दूसरा करेक्टर टाइप है, और तीसरे करेक्टर टाइप अरे है जिसकी लेंथ 30 है। और अगर हमने इनको वैल्यूज़ असाइन करनी है बाय क्रिएटिंग वेरिएबल, तो वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले हम इसके ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप लिखेंगे लाइक माई स्ट्रक्चर, उसके बाद वेरिएबल का नेम S1, और उसके बाद इज इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट्स में हम तीनों मेंबर्स के लिए वैल्यू लिख देंगे। लाइक 13 है तो ये अंडरस्टूड है, ये पहले मेंबर को जाके असाइन हो जाएगी, उसके बाद भी एक करेक्टर है वो माई लेटर को जाके असाइन हो जाएगी, और सम टेक्स्ट जो है वो माई स्ट्रिंग जो करेक्टर टाइप अरे है उसमें जाके सेव हो जाएगी। और अगर हमें इनको प्रिंट करना है सिंपल S1 डॉट माई नम लिखेंगे तो 13 प्रिंट हो जाएगा, S1 डॉट माई लेटर लिखेंगे तो B प्रिंट होगा, और S1 डॉट माई स्ट्रिंग लिखेंगे तो सम टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा कंसोल पे। इसी तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं S1 और S2। ये आप सिंगल स्टेटमेंट में भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम ऑलरेडी वेरिएबल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आप S1, S2 भी लिख सकते हैं और अलग अलग लाइन्स में भी लिख सकते हैं। अब इनको वैल्यूज़ भी उसी तरह से साइन होंगे जैसे हमने पहले कहा कि डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। जिस भी वेरिएबल के लिए वैल्यू इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसको वो पहले आपको लिखना पड़ेगा। लाइक S1 में अगर आप वैल्यू सेव करना चाह रहे हैं तो S1 डॉट माई नम लिखना पड़ेगा, S2 में सेव करना चाह रहे हैं तो S2 डॉट माई नम लिखना पड़ेगा। जिस तरह से वेरिएबल में हम वैल्यूज असाइन कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में, इसी तरह से स्ट्रक्चर्स में भी अगर आप एक स्ट्रक्चर की वैल्यू दूसरे को असाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी किया जा सकता है बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर जो है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दो स्ट्रक्चर्स लिए हैं, पहला स्ट्रक्चर S1 है और ये हमने उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इनिशियलाइज कर ली हैं। इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास S2 है, ये जैसे हमने डिक्लेयर किया है और हम ये चाह रहे हैं कि S1 की वैल्यूज़ जो हैं वो S2 को असाइन हो जाएं, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे S2 इज इक्वल टू S1, क्योंकि आपको पता है कि जी जो C++ है उसमें राइट टू लेफ्ट वैल्यूज़ असाइन होती हैं, यानी कि S1 में जो भी वैल्यू होगी वो S2 पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो अगर आप इसके बाद S1 को भी प्रिंट करेंगे तो वो 13 भी सम टेक्स्ट प्रिंट करेगा, और अगर S2 को भी प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर S2 डॉट माई नाम S2 डॉट माई लेटर और S2 डॉट माई टेक्स्ट, तो वो 13B और सम टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने एक स्ट्रक्चर लिया है जिसका नेम कार है, इसमें 3 वेरिएबल हैं, 2 हमारे पास अरे टाइप अरेज हैं जिनकी लेंथ 50 और 50 है। पहली अरे का नेम ब्रांड है,
दूसरी अरे का नेम मॉडल है और एक वेरिएबल लिया हमने ईयर, और मेन हमने इसी स्ट्रक्चर के लिए तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, कार वन, कार टू और कार थ्री, और इनको हमने वैल्यूज़ भी साथ ही डिफाइन कर दी हैं। स्ट्रिंग्स हैं, डबल कोट्स में हम लिखेंगे कि पहली कार वन जो है उसका मॉडल BMW है, दूसरी उसका मॉडल जो है वो X5 है और ईयर जो है वो 1999 है। तो रैम में कार वन के लिए ये स्पेस क्रिएट हो जाएगी और उसमें ये वैल्यू जाकर सेव हो जाएंगी, कार टू के लिए भी और कार थ्री के लिए भी इसी तरह से सेपरेटली जो है वो स्पेस रिजर्व होगी और उसमें ये वैल्यूज जो है वो सेव हो जाएंगी। और सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करके और वेरिएबल नेम के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के और उसका मेंबर का नाम लिख के हम इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि कार वन डॉट ब्रांड है तो ये BMW प्रिंट करेगा, कार वन डॉट मॉडल है तो X5 को, और कार वन डॉट ईयर है तो 1999 को प्रिंट करेगा।